नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब ट्यूटोरियल में। तो हम पावर बीआई के बारे में बात कर रहे थे और आज पावर बीआई में हम गेट डेटा के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि इस दिसंबर महीने में तकरीबन हम 5,000 से ऊपर वीडियोज यूट्यूब पर अपलोड करने वाले हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पावर बी आई टैबलो एंड गूगल सीट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज अपलोड होने वाले हैं इस महीने के अंदर में। तो हम पावर बी आई की तीसरी क्लास में हैं और तीसरी क्लास में हम बात करेंगे गेट डेटा के बारे में। इससे पिछले वाले वीडियोज में हमने बताया था, डे टू वाला वीडियो में हमने बताया था कि किस तरीके से आप अपने पावर बी आई में डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं, कैसे रिपोर्ट बना सकते हैं, क्या क्या कहाँ कहाँ क्या होता है, लॉग इन साइन इन सब चीज़ों के बारे में हमने बताया, ट्यूटोरियल्स वगैरह के बारे में बताया। अब हम बात कर रहे हैं गेट डेटा के बारे में। देखिए, गेट डेटा जैसे कि आपके यहाँ पे है, अभी हमने एक डेटा लिया था, तो गेट डेटा वही डेटा है जो डेटा हम एक्सेल में यूज करते थे। जी हाँ, गेट डेटा वही है। तो क्या है गेट डेटा, चलिए हम आपको पहले एक्सेल में बताते हैं कि अगर किसी डेटा को हमें लेके आना होता है, क्योंकि अगर जान लें तो आप अच्छा होगा समझने में कि आखिर पावर क्यूरी या माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी कैसे सिमिलर है पावर बीआई में और एक्सेल में। तो यहाँ भी सेम गेट डेटा है और यहाँ भी वही आपके इंटरफेस है, वही विजुलाइजेशन है जो कि आपके पावर बीआई में देखने को मिलता है, जैसे आप यहां देख रहे हैं और यहां भी आपको देखने को मिल रहा है। अब जैसे कि मैं एक्सेल में गेट डेटा पे क्लिक करके किसी पर्टिकुलर फाइल को सिलेक्ट करता हूं फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट वर्कबुक में जाके, मान लीजिए डेस्कटॉप पे गया, न्यू फोल्डर के अंदर हम डीडी वाले फाइल को सिलेक्ट करके इंपोर्ट करते हैं और हम सेम पावर बीआई में भी आते हैं। मैं एक जो ऑलरेडी फाइल खुली हुई है उसको मैं एक बार बंद कर देता हूँ। सॉरी, जैसे हमने यहाँ पे C2 को सेलेक्ट किया और यहाँ पे C2 का डेटा यहाँ देखने को मिल गया, वैसे यहाँ पे हम पावर बी आई, फिर मैं पावर बी आई क्लोज कर दिया था, मैं पावर बी आई को अगेन ओपन करता हूँ और यहाँ पे देखिए मैं जस्ट सेलेक्ट किया और यहाँ पे लोड कर दिया। बट पावर बी आई में ऐसा नहीं होता है, पहले थोड़ा सा चेंज होता है। जब पावर बी आई को हम दोबारा खोलते हैं तो यहाँ पे यहाँ पे आपका चेंज हो जाता है इंटरफेस। अब मैं इसको यहाँ से गेट डेटा यहाँ से भी ले सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक्सेल को सिलेक्ट किया और यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे, एक्सेल की फाइल को लेंगे और यहाँ ओपन करेंगे। अब यहाँ भी देखिए मुझे C2 का डेटा यहाँ विजुअल तो है बट लोड एंड परफॉर्म एक्टिव नहीं है, बट एक्सेल में सिलेक्ट करते ही लोड एंड परफॉर्म एक्टिव है। अब जिससे आप एक्सेल के यूजर है, पावर बीआई में देखेंगे बिल्कुल सेम ही है। चलो लोड क्यों नहीं आ रहा है, मेरे साथ भी पहली बार हुआ था कि मैं लोड ढूंढ रहा था, लोड एक्टिव क्यों नहीं है, डेटा विजुअल है, सीट सिलेक्ट है बट एक्टिव क्यों नहीं है, इसलिए क्योंकि इसकी चेकबॉक्स पे हमने क्लिक नहीं किया है। अब ऐसा क्यों है देखिए, क्योंकि आप इसमें एक बार में एक ही डेटा को लोड कर सकते हैं, पर पावर बीआई में हम एक से ज्यादा डेटा को लोड वन टाइम में कर सकते हैं ताकि हम रिलेशनशिप को क्रिएट कर सकें। इसलिए यहाँ पे चेकबॉक्स का सिस्टम दिया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा करते हुए। फिर हम लोड पे क्लिक करेंगे और हमारा लोड हो जाएगा और यहाँ भी हमारा लोड हो जाएगा। तो गेट डेटा पावर बीआई में और आपका एक्सेल में सिमिलर है, क्योंकि एक्सेल के पिवट को ही, पावर पिवट को ही एडवांस करके पावर बीआई बना दी गई है।
अब चलिए इसमें हम गेट डेटा हमने ले लिया, तो एक बात ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो डेटा दिख रहा है, यहाँ तीन व्यू है, ये आपका रिपोर्ट व्यू है, ये आपका डेटा व्यू है। यहाँ पे डेटा की जो लिंक वगैरह हम करेंगे, जैसे हम एसक्यूएल में करते हैं, जैसे हम एमएस एक्सेस में करते हैं, उसी तरह परफॉर्म आएगा जहाँ हम लिंक वगैरह कर सके। देखिए डेटा जो दिख रहा है ये आपका जस्ट प्रीव्यू है, प्रतिबिंब है, ये ओरिजिनल डेटा जो आपके एक्सेल में उससे कनेक्टेड है। तो इसमें आप अगर नए फील्ड ऐड करना चाहे तो क्यूरी में जाके ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि कोई डेटा डेटा को चेंज कर दें, सो डेटा की चेंजिंग पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, आपको डेटा की चेंजिंग पॉसिबल करनी पड़ेगी वहीं पे। उसके बाद हमें चलिए बताते हैं कि हमारे पास फाइल, होम, यू, मॉडलिंग एंड हेल्प, तीन विंडो, ये विंडो है। हेल्प तुम छोड़ देते हैं, हेल्प तो सब में कॉमन होता है, हेल्प से रिलेटेड, लेकिन इसके हेल्प में थोड़ा सा अलग अलग चीजें हैं, तो इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। उसके बाद आपके सामने तीन व्यू है, फिल्टर, विजुलाइजेशन और फिल। फिल आपकी अकॉर्डिंग टू योर डेटा यहाँ पे आएगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी डेटा आपने लोड किया तो यहाँ पे ई का सिंबल आ गया, इट मीन्स ये आपका नंबर्स है, इस पे मैथमेटिकल फंक्शन लग सकता है, लेकिन सिटी पे नहीं है, इसमें डेट है, ये आपका टेक्स्ट है और डेट में देखिए कैलेंडर लगा हुआ है, तो ये डेटा टाइप को ऑटोमेटिकली रीड कर लेता है, रीड करके बताता है। उसके बाद अगर मान लीजिए कि मैंने कोई विजुलाइजेशन लिया, मान लीजिए कि मैंने ए ले लिया और हमने क्वांटिटी का टोटल और हमने यहाँ पे प्रोडक्ट का टोटल ले लिया, तो प्रोडक्ट वाइज मुझे यहाँ पे समरी दिख गया। तो अभी यहाँ पे देखिए कि पहले क्या था कि यहाँ पे फील्ड्स नहीं थे, लेकिन यहाँ पे देखिए हमने लेजेंड में प्रोडक्ट रख दिया है और यहाँ पे वैल्यू में क्वांटिटी रख दी है, इसके अलावा नीचे और भी चीजें हैं, इन सब की चीजों में हम आगे क्लासेस के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसमें फिल्टर्स है कि प्रोडक्ट में ऑल चाहिए या फिर कोई पर्टिकुलर फिल्टर चाहिए, तो इन सब चीजों के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। बट सिमिलर टू पिवट, पिवट में था कि अगर आपने मान लीजिए कि इसके ऊपर पिवट लगाया हुआ है, मान लीजिए मैं इंसर्ट करता हूँ, पिवट इंसर्ट करता हूँ इस डेटा में, तो पिवट में हमने क्या किया है, हमने लिया हुआ है क्वांटिटी का टोटल एंड प्रोडक्ट का समरी और इसमें हमने चार्ट बना दिया ठीक। हम एक्सेल में हम इस तरह से करते हैं, तो एक्सेल में करने में थोड़ा सा टाइम लगा, थोड़ा सा दिमाग लगा, बट यहाँ पे इजिली। और यहाँ भी हम फिल्टर लगा सकते हैं कि मुझे यहाँ पे सिर्फ कोई पर्टिकुलर फिल्टर चाहिए, तो सिमिलर टू है, लेकिन वही है कि इसको आपका है, इसमें क्विक हो जाता है और एक्सेल से बहुत ज्यादा चीजें यहाँ मिलता है, जियोग्राफिकल डेटा आपका है और भी बहुत सारे मैप्स हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं, और आगे चल के इसमें हम बहुत सारे की स्क्रिप्टिंग वगैरह भी करेंगे। ये थी हमारी कि किस आपका जो डेटाबेस है एक्सेल में जो गेट डेटा है और आपका जो पावर बी गेट डेटा में किस तरह से सिमिलर है और किन किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए, ये हम इस वीडियो में कवर किए हैं। इसी तरह से मेरे वीडियो में आप बने रहे, आगे चल के हम इसके बारे में और भी पूरी डिटेल्स करेंगे, कंप्लीट करेंगे, और आप इसकी पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप परचेज कर सकते हैं, या फिर इसकी लाइव क्लासेस या फिर किसी भी तरह की लाइव क्लासेस चाहिए, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं, जैसे आपके पास एडवांस एक्सेल है, हमारे पास एडवांस एक्सेल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स विद फॉर्मूला, आपका वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग है, माइक्रो एक्सेस डेटाबेस है, माई एसक्यूएल है, डैशबोर्ड्स एंड रिपोर्ट ऑटोमेशन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई है एंड गूगल सीट है, ये आपका गूगल सीट है, इन चीजों पर हम डिस्कस कर सकते हैं। बेसिक टू हर एक टॉपिक को बेसिक टू एडवांस आपको पढ़ाया जाएगा। तो इसके साथ बने रहें और मुझे कॉल करें, व्हाट्सएप करें, स्काइप करें, जो भी प्रॉब्लम हो या कुछ पूछना हो।